दिल्ली में साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में रोज झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके इलाके से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। एक महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे और मजीठिए को जेल भेजेंगे। हे पंजाब के पूत मजीठिया, हमका माफी दे दो। उन्होंने अपनी अगर गलती मानी है तो मैंने भी अपनी टीम को बोला कि हमको भी इस मैटर में परसू करने का कोई फायदा। हे कांग्रेस रत्न कपिल सिब्बल, हमका माफी दे दो। जो चोट हम पे पहुंची, हमारी रेपुटेशन पे पहुंची, मेरी रेपुटेशन पे, मेरे बेटे की रेपुटेशन पे, उस पे वो खेद व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो हुआ 5 साल में हुआ, इसमें हमें कोई रंजिश नहीं है। हे नितिन गडकरी, हमका माफी दे दो। केजरीवाल जी और मेरे बीच में अब कोई विवाद नहीं है। और दूसरा, ये फाइल है DDCA की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है DDCA के। हे भारत के बजट विधाता, आपके मानहानी केस से हमारा बजट खराब हो जाएगा, हमका माफी दे दो। हम अब करप्शन मोड से माफी मांगो मोड पे आ चुके हैं, हमका माफी दे दो। तिजोरी है मोदी जी के काले धन की, इसका ताला तोड़ा है, इसमें निकला है डॉक्यूमेंट सच्चाई। दोस्तों, कुछ समय पहले केजरीवाल की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी कि सबसे पहले तो वो सुबह उठते थे और आरोपों का एक पूरा प्रिंटआउट निकाल के पहले मीडिया को बुलाते थे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस के किसी भी एक नेता का नाम पकड़ के उसके खिलाफ एक से एक आरोपों का बाउंसर भैया, एक से एक आरोप। इतने गंदे लोग हैं, चुनाव लड़ने के पहले साइकिल पे चला करते थे और अब 5-5 कोठियां, 5-5 गाड़ियां, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी, पता नहीं कितने प्लॉट, कहां से आया सारा पैसा। लेकिन अब समय ये है कि जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे, अब उन्हीं नेताओं को पकड़ पकड़ के माफी मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हिट एंड रन की राजनीति के जनक माने जाते थे, मतलब आरोप लगा के निकल लो। लेकिन इस बार भाई साहब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। झाड़ू उठा के भारत से करप्शन हटाने का वादा करने वाले केजरीवाल अब माफी का कटोरा लेके दर दर घूम रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और जाते जाते आपको एक फर्क बताता हूँ, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में। पहले के नेता कहते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और आज के नेता कहते हैं कि प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए। और इन सब के बीच में हम और आप हमेशा पिसते आए हैं, पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। जय हिंद।